हिमालय पर्वत में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे? बाबा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है ना? निश्चित पहुंचती है, लेकिन तिरछी दूर। हाँ, निश्चित दूरी ना होने के कारण नहीं पहुंच पाती। निश्चित दूरी है लेकिन दूर है बहुत। तो ब्राह्मणों की दुनिया में इसकी शूटिंग कैसे होती है, मतलब ज्ञान की किरणें कैसे? नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में जैसे हिमालय पहाड़ है, बहुत ऊंचाई पर है, तो वहाँ सर्दी रहेगी या गर्मी रहेगी? है सर्दी रहेगी। सर्दी रहती है। तो ऐसे ही जब किरणें, वो जैसे कैमरा है, मान लो पृथ्वी है और सूर्य की किरणें ऐसी जा रही है, तो किरणें ऊंची हो गई ना, पृथ्वी पर सीधी किरणें पड़ेंगी तो गर्मी ज्यादा रहेगी, तिरछी किरणें पड़ेंगी तो दूर हो गया, सर्दी ज्यादा हो जाती है। जैसे हिमवान हिमालय कहा जाता है, कौन है हिमालय का पाटीदारी? कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो मुकर्रर रथ नहीं है। जो मुकर्रर रथ है उसके द्वारा सीधी किरणें पड़ रही है। मुकर्रर रथ के जो दादर नजदीक हैं, उनके ऊपर भी सीधी किरणें पड़ रही हैं।